घड़ जा। बता बाहर बाहर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ ये क्या क्या हुआ नमस्कार जी राम राम जी नमस्कार भाई सत श्री अकाल जी क्या बात है क्या बात है राहुल गौतम आपका नाम है जी राहुल कुमार गौतम है तो मैं गौतम लगाता हूँ राहुल गौतम आप डीटीसी के बस कंडक्टर हैं जी बस कंडक्टर हूँ जी मैं वो बस नंबर कौन सा है जी स्पेयर में रहता हूँ जी किसी भी बस पे भेज देते हैं सब रूट्स पता है आपको हाँ लगभग लगभग जितनों पे भेजा सबका बस के बारे में मालूम है तो आपकी तनख्वाह कितनी है 10,000 रुपये आ जाते हैं और घर पे कौन कौन है मम्मी पापा भाई हैं भाभी हैं अब तो जी मैंने भी शादी कर ली है 4 महीने हो गए अब तो बीवी भी है मुबारक हो मुबारक कांग्रेचुलेशंस थैंक यू सर तो अच्छा खासा चल रहा है अच्छा मतलब कमा भी रहे हो खुश भी हो माँ बाप मतलब सब एक घर पे रह रहे हो हाँ दो छोटे भाई हैं पापा ने कहा इनको पढ़ा नहीं पाएंगे मैंने कहा कोई बात नहीं अरे लौंडा जिंदाबाद है दोनों को पढ़ा दूंगा यार तू इतना बीटेक कराई तू इतना बिंदास आदमी है फिर तेरे दिमाग में ये सुसाइड का ये तो बुजदिली वाला काम कैसे बड़ी सीरियस चीज होती है यार सर जब करा ही नहीं था ना मैंने फैसला करा था फैसला ये कोई कैसा कैसा फैसला है भाई कि अच्छा चल यार फैसला किया आज ना शिमला घूम के आता हूँ अच्छा छोड़ यार कैंसिल कर दिया ये क्या है भाई भाजी मैं बताता हूँ हाँ जी जब टेंशन होगी ना बहुत ज़्यादा पैर भी टूट गया मेरा 12th में भी फेल हो गया और उसके बाद रिश्तेदार हो गया थोड़ा इधर उधर से फिर डिप्लोमा में भी एडमिशन नहीं मिला ये काम ना मेरे साथ भी हुए तेरा एक बार टूटा है मेरा 6 बार गिट्टे टूटे होंगे कई बार मेरा शोल्डर गया है और फेल भी मैं तेरे से ज्यादा बार हुआ हूँ बिल्कुल पर मेरे दिमाग में तो नहीं आई गुरुजी वो टीनेज थी ना थोड़ी सी उस टाइप की सर मेरा नेचर उसके बाद बहुत बिंदास हो गया मुझे तो किसी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है भाई तेरे को अगर फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी की बात का तो फिर तू यहाँ तो गलत जगह पे तू रोडी क्यों बनना चाहता है सर देखो सबसे पहली बात तो है सर इसमें इज्जत है अगर तेरे सामने बंदा लाके खड़ा कर दे तो बोलेंगे टास्क है तेरे 10 चांटे मारे उसमें क्या इज्जत है तेरी सर टास्क क्या टास्क तो करना पड़ेगा ना उसके बाद जो फिर मेरा भी तो टास्क होगा क्या पता मुझे भी रेपटे मारने पड़े अगर एक लड़की ने तुझे चपेड़े मारनी हो बहुत सारी मार दी उसने अब क्या अब तेरी मारने की बारी आई टास्क है ना सर कोई दिक्कत नहीं है टास्क में तो सब चीज जाया जाए नहीं पर कह रहा ना कि इज्जत वापस कैसे आएगी अब लड़की ने थप्पड़ मारा है तो उसको थोड़ी मारेगा वापस सर अगर लड़की थप्पड़ मारेगी मुझे चांस मिलेगा तो मैं भी तो मारूंगा ना अगर लड़की तेरी बहन हो और मेरे साथ टास्क हो तेरी सिस्टर ने मेरे को 5 जबरदस्त चांटे मारे अब मैं वापस मारूंगा कैसा लगेगा तेरे को टास्क है ना सर वैसे कोई रोड पे हाथ लगा जाएगा हाथ तो काट दूंगा मुझे नहीं लगता सर क्यों नहीं लगता बताओ चल मैं तेरे को एक बात बताऊं जी तू बोल रहा है ना तू हाथ उखाड़ लेगा जिस तरह से तूने अभी बात की ना कि टास्क के लिए मैं अपनी सिस्टर को थप्पड़ भिजवा दूंगा मेरे जैसे आदमी से अगर मैं रोड पे भी मार दूंगा ना तेरी दम नहीं तो मेरे को कुछ कह सके और तो हंस के डाल देगा सुनो मेरी बात ये तो टास्क की बात रही हाँ। जो असल जिंदगी में कोई उंगली उठा भी देना सोच मैंने उंगली उठा दी तेरी सिस्टर पे अब उखाड़ ले जो उखाड़ लो क्या उखाड़ेगा भाई आपके साथ भिड़ जाऊंगा और क्या होगा अच्छा भिड़ जा बता बाहर बाहर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ ये क्या क्या हुआ क्या हुआ जो आदमी एक टास्क के लिए अपनी सिस्टर को थप्पड़ बजवा देगा सर मैं क्यों मारूंगा है क्या इतना क्लियर कट एग्जांपल दिया मैं सर आप मारोगे मैं आपसे लड़ूंगा ज्यादा तो पिटी तो जाऊंगा कैदियों टास्क हार जाऊंगा नहीं करूंगा क्या सब कुछ टास्क है तेरे लिए बहन को थप्पड़ मजवा देगा तू टास्क के लिए सर आप छोड़ना मारोगे अबे मैं नहीं मारूंगा चल छोड़ एक दूसरा कंटेस्टेंट खड़ा है
वो मारेगा। तूने कहा हाँ, टास्क के लिए भजवा दूंगा थप्पड़ अपनी बहन के। दादा वो क्वेश्चन शायद मैं समझ ना पाया उस क्वेश्चन के लिए। पहले इमेजिन कर ये चीज, कोई ऐसी चीज कर रहे तेरे सामने तो हाँ। तेरा खून खोल पाएगा। अभी तूने बातों में बोल दिया, समझ रहा है? ऐसी चीजें बातों में भी नहीं बोलनी, ठीक है ना यार? उसको राखी बांधती है, हमें इसलिए बांधती ना कि हम उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। कोई ये सब सोचना नहीं, ठीक है? आप योगा करते हैं? मैं जिम तो जाता नहीं जी, तो अपने आप को पेट वेट ना निकले, कंडक्टर के पेट निकल जाते हैं, अपना बीड़ी वीड़ी पीते रहते हैं। हाँ। तो मैं नहीं चाहता पेट निकले मेरा। आप थोड़ी सी करके दिखा दीजिए। ओह वेरी नाइस। ओह मैन अमेजिंग। Body balance. Superb. Superb. Wow, Rahul. Touch होते हैं पैर सर तक? कर दे एक बारी अगर। Oh, this is very tough. What he's gonna do? ब्रदर क्या कर दिखाया यार? यार भाई तू बाबा रामदेव के शिवर में जाके आया लगता है। इधर कहां से योगा सीखी आपने इतनी अच्छी? खुद ही कर ली टीवी से। जल्दी आया यार थोड़ा, बहुत सुस्त है। लोग आते बोलते कि मैं योगा करता हूँ लेकिन ये होता है रियली गुड। अगर तू आज रोडीज पे सिलेक्ट हो जाता है आने के लिए, अब तू अपनी जिंदगी क्या क्या करेगा? सोच, हो गया रोडीज जीत गया। सर पहले तो अपनी कंडक्टर वाली जॉब पे जाऊंगा सबसे पहले तो, मैं लोगों से मिलूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि लोग जिस बंदे को लोकल समझते थे आज वो बंदा एज ए रोडीज में जाकर रोडी बनकर वापस अपनी जॉब पर आया। सबसे पहले तो सर मैं अपनी जॉब को प्राथमिकता दूंगा। जो आपका प्राइड है टू बी अ कंडक्टर एंड मतलब ऐसा कंडक्टर जो लोग आते हैं तो मतलब खुश हो जाते हैं, इट्स कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर। कि यार काम काम होता है, इज्जत से करो तो इज्जत बनी रहती है। आपको देखकर बहुत सारे लोग अपनी जॉब को लेकर, अपनी यूनिफॉर्म को लेकर, वर्दी को लेकर या जो भी हो काम होते हैं, अगर आपकी तरह उनका रवैया बन गया लाइफ बेटर हो जाएगी यहाँ पे। मैं तो कहता हूँ सर मुझे बहुत प्राउड है कंडक्टर, और कंडक्टर नहीं होता शायद यहाँ पे भी नहीं होता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेल डन। चलिए राहुल अब आपके आखिरी 10 सेकंड है, लेट्स हैव द काउंट। कभी जिंदगी में ये मत सोचना कि एक बस कंडक्टर वॉरियर नहीं बन सकता। तू है एक वॉरियर, बट सोच समझ के बोला कर जो बोलता है, ठीक है? आगे जैसे सोच के बोलूंगा जो भी बोलूंगा। भाई मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। भगवान तुझे ना ऐसे ही रहते। थैंक यू सर।